अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मामला कुछ नहीं भैया, मेरा 20 साल से हम इसमें रह रहे हैं। हमारे कोई मोहल्ले वालों को इतराज नहीं है, ना कोई हमारे यहाँ आया है 20 साल से आज तक खाली करवाने। मकान मालिक मेरा आता है और आराम से देख लेता है, चला जाता है। हमको दुकान बनवाने का इजाज़त दी नहीं, हमने दुकान बनवा लिया, रहने लगे कोई नहीं। अभी 10 दिन पहले वो आया है, आके मिल के चला गया है, बोला इसको बेच लो, उसमें बेच लिया जाए और नहीं तो बनवा लिया जाए। हम कहा भैया दुकानें बनवा लो और आराम से, तो कहाँ लग कौन बनवाएगा हमको, हम बैठे बैठे बनवाएंगे आपका प्लाट, तुम मटेरियल गिरवा दो, हम बनवाएंगे। बोला ठीक है, चला गया। इसके बाद इन लोगों ने, आज हम बीमार हैं, हम घर से आए हैं, गेट के पास खड़े थे, जैसे गेट के पास खड़े थे इनके शर्मा के यहाँ से 8-7 औरतें निकली हैं और दवा के बाल हमको मारने लगी। मेरे बाला उतार लिया, मेरा मंगल जंजीर पहने थे वो उतार लिया। मेरे घर के अंदर मेरे लड़का की शादी है, 11 मार्च की है, 11 मार्च की शादी है, मेरे लड़का की 2 महीने रह गए। सारा सामान मेरा यहाँ रखा था, सारे इन लोगों ने घर में घुस के लूट लिया पूरा। पता है मालूम नहीं है भैया, इस शर्मा का मालूम है, यह सब्जी लगाता है लंगड़ा, इसके यहाँ शर्मा के यहाँ ही लोग आते हैं। आए सामान फेंकने लगे, हम घर के अंदर से निकले, सामान आई चलिया, जेवर आई चलिया मेरी सब, और हमको गिरा के मारने लगे। कुछ नहीं बोले, बस औरतें लेके आए, 4-5 औरतें थी, आदमी थे, सब भड़बड़ा के घुस गए, हमको दबा दिया, मारने लगे, कुछ नहीं बोले। हाँ भैया, किसी पार्टी से हमें मालूम नहीं है भैया किसका था, ना हम इस चीज में रहते हैं कभी ना हमको, लेकिन शर्मा के घर से निकले हैं, मोहल्ले का शर्मा बगल में है, शर्मा इसी घर से निकले हैं और लंगड़ा साथ में रहा है, लंगड़ा और शर्मा दोनों मिले हुए हैं।